आपने अभी एक लेटर देखा होगा 27 अक्टूबर का, उस मीटिंग में क्या हुआ, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अप्लाई करने को बोल दिया है कि नहीं बोला। आरजेएस जो आएगी नई वैकेंसी, हरियाणा जुडिशरी हो चाहे दिल्ली जुडिशरी हो, उनमें नए वाले बिल ही पढ़ना है क्या? भाइयों क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे जो नया एविडेंस बिल आया था, नया आईपीसी का बिल आया था और नया सीआरपीसी का बिल आया था, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आपने अभी एक लेटर देखा होगा 27 अक्टूबर का, उस मीटिंग में क्या हुआ, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अप्लाई करने को बोल दिया है कि नहीं बोला। और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर आरजेएस जो आएगी नई वैकेंसी, हरियाणा जुडिशरी हो चाहे दिल्ली जुडिशरी हो, उनमें नए वाले बिल ही पढ़ना है क्या? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बिल और एक्ट के बारे में बताता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होगा, जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, अगर जिनको नहीं पता था आज पता चल जाएगा इस वीडियो से। देखो बिल वो रहता है जो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश होता है, जब वो पास हो जाता है पार्लियामेंट में दोनों हाउस में, तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जो अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके पास भेजा जाता है, वो साइन कर देते हैं, ऑफिशियल गजट में आउट हो जाता है, तब उसको एक्ट माना जाता है। तो जब तक एक्ट ना बन जाए, ये नई वाली आईपीसी, नया वाला जो सीआरपीसी है, नया वाला जो एविडेंस एक्ट है, तब तक आपको उनको देखना भी नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, अगर आप दोनों पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे काफी, जो पुराना वाला है उसी को पढ़ लो, वही बहुत है। अगर आप नए वाले में जाओगे तो आपको दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, और जब तक वो एक्ट ना बन जाए, जो नए बिल आए आप उनको ना पढ़े ना देखे, उनसे कोई मतलब अभी भी मत, अभी ना रखे कोई मतलब, जब एक्ट बन जाएंगे तब उन्हीं को ही पढ़ना है, पुराने वालों को छोड़ना पड़ेगा। और बेसिकली जो इसमें, हाँ मतलब काफी सेक्शन तो सेम ही है, कुछ ऐड हुआ है वो आप पढ़ लेना, नाम चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था जब ये आया था पार्लियामेंट में, पेश किया था जो अपने होम मिनिस्टर ने, तब मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो वीडियो। तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं बात कर, एक ने तो मुझे कमेंट किया, जो जेएलओ का पेपर होने वाला है ना अभी 4-5 तारीख को, मैं ये वीडियो शायद 4 या 5 को ही डालूंगा, क्योंकि 2 दिन के लिए मुझे वीडियो बना के रखने पड़ेंगे, तो मैं 2 दिन का वीडियो बना रहा हूँ, शायद आपको 4 या 5 को देखने को मिलेगा जेएलओ के पेपर वाले दिन। सर जेएलओ में भी नए वाले बिल पढ़ के जाने हैं क्या? तो भाई वो नहीं पढ़ने हैं आपको अभी, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, पेपर दे रहे होगे, पेपर देने के बाद आओगे ये वीडियो देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि नए एक्ट कब पढ़ना है आपको, नए बिल कब पढ़ना है। सबसे पहले फोटो देखो आप, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा सेक्रेटरी, मेंबर आर इन्फॉर्म डेट नेक्स्ट मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर विद 27 अक्टूबर 2023 को हुई है इसकी मीटिंग। इसमें क्या हुआ है, इस मीटिंग में क्या हुआ है, फोटो देखें आप, पैनल होल्ड बैक इट रिपोर्ट और क्रिमिनल बिल, मतलब इसको अभी होल्ड पे रख दिया है। देखो अपोजिशन प्रोटेस्ट दैट स्पीड एट विच अ बिल आर रिव्यू बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लैक ऑफ कंसल्टेशन, मतलब कंसल्ट इतने ढंग से नहीं किया गया इनसे। ये पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हो आप, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर पोस्टपोन इट अडॉप्शन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन 3 बिल, मतलब पोस्टपोन, अभी पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो इन चीजों का ध्यान रखना आप, अभी पोस्टपोन कर दिया, अभी कहीं ऐसा नहीं कि इनको अप्लाई कर रहे हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी के बाद वापिस पार्लियामेंट में आएंगे, नए मतलब सेशन होगा जब आएंगे, अभी तो इन्होंने ही होल्ड पे रख दिया स्टैंडिंग कमेटी में, तो इसमें अभी इसमें समय लगेगा, तो आप अभी इन बिल से दूर ही रहें। और अब किसी का मन में है पढ़ने में तो पढ़ लो यार, आपके इतना समय है तो पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वेल एंड गुड है, बट मैं तो यही सलाह दूंगा कि इनसे दूर रहें, ये जब अप्लाई होंगे एक्ट बन जाएंगे तब आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ये बात याद रखना, चाहे वो आरजेएस से 10 दिन पहले आए, 1 महीने पहले आए, अगर फॉर एग्जाम्पल आरजेएस की वैकेंसी मार्च में हो रहा है पेपर, जनवरी में मतलब ये बन के आ गए एक्ट ये पास, तो आपको यही तीनों बिल पढ़ के जाने पड़ेंगे, नए एक्ट ही पढ़ के जाने पड़ेंगे, तो जब तक ये एक्ट ना बन जाए तब तक आपको नहीं पढ़ना किसी भी सिलेबस के लिए, ना आरजेएस हो, डीजेएस हो, हरियाणा जुडिशियल हो, कोई सा भी हो, जुडिशियल सर्विस या कोई सी भी जॉब का हो लॉ ऑफिसर का, तब तक आपको ये नहीं पढ़ना, इतना कंफ्यूज मत हो, लॉ स्टूडेंट हो आपको इतना तो पता होना चाहिए। और इन बिलों में काफी चीजें भी हैं जो अपोजिशन भी मतलब उस पर ऑब्जेक्ट कर रही है, और काफी चीजें हैं जो इसको देखा जाएगा उसके बाद, अभी तो पोस्टपोन में मतलब पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट मीटिंग के लिए, और जो भी होगा मैं बता दूंगा। इस बिल में शायद एक अगर जज गलत जजमेंट या ऑर्डर देते हैं उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, पहले ऐसा कुछ था नहीं, और काफी ऐसे लॉ हैं जो चेंज किए गए हैं, तो उन चीजों पर भी सारी बात होगी। फिर एक बार एक्ट बन जाएगा तो वकील लोग आप जानते हो पीआईएल फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में,
मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो अभी आपके इसका समय है, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगी जो भी होगा। और देखो थोड़ी बात कर लेते हैं वैकेंसी का। देखो आरजेएस की वैकेंसी, जो हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी, दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्या पता आपको हरियाणा और दिल्ली का देखने को मिल जाए, क्योंकि हरियाणा का कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, दिल्ली का भी कभी आ सकता है नोटिफिकेशन। और आरजेएस का 1 नवंबर को मीटिंग है, मैं उससे पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उस पर ही बता दिया था आरजेएस की वैकेंसी को 1 नवंबर में मीटिंग है। अगर या तो एडीजे पहले आएगी, आरजेएस पहले आएगी, दोनों में से एक वैकेंसी आएगी। अब ये मैं सोचना कि क्योंकि अभी वीडियो लेट देख रहे हो, अगर उस टाइम कुछ हो जाए तो उस चीज को अवॉइड करना, अगर इस चीज ये देख रहे हो। और चैनल की थोड़ी बात कर लेता हूँ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। और आरजेएस की लाइफस्टाइल देखनी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं सिविल जज के, वहां सिविल जज को क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है, जैसे एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब के सिविल जज से बात करिए, एमपी में भी सिविल जज से बात करिए, दिल्ली में भी करिए, तब जाके वो वीडियो बनाए। तो वीडियो काफी अच्छा है, एंजॉय करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आरजेएस की सैलरी स्लिप पे मैंने वीडियो बना रखा है कि आरजेएस को क्या सैलरी स्लिप मिलती है, और जेएलओ की सैलरी स्लिप क्या रहती है, जो पेपर आप दे के आए हो 4-5 को, उसको जेएलओ को क्या, जूनियर लीगल ऑफिसर को क्या सैलरी स्लिप मिलती है प्रोविजन पीरियड में, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप सेलेक्ट होने वाले हो, तो आप वो वीडियो भी देखो जाके, क्योंकि उसमें बताया है प्रोविजन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है, लगभग 21,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसके बाद क्या सैलरी हो जाती है, क्या अलाउंसेस रहते हैं, क्या फैसिलिटी रहती है जेएलओ को, वो डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में। ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। और देखो क्या है यार, बिल के बारे में अभी आप टेंशन गलत ले रहे हो, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, पुराने बिल पढ़, मतलब पुराने एक्ट पढ़ लो जो भी है, और चेंज हो रहा है मेरे हिसाब से तो इतना चेंज नहीं करना चाहिए, काफी बच्चे पढ़ के अपने नोट्स बना के रखते हैं, बट अगर गवर्नमेंट कर रही है, मतलब अमेंड कर देती जो अगर कोई गलत सेक्शन है, और पर गवर्नमेंट का मानना है कि अंग्रेजों के बनाए हुए बिल है, ऐसे तो अंग्रेजों के बनाए हुए सीपीसी भी है, गवर्नमेंट उसको भी चेंज करे, सीपीसी भी तो है, बहुत सारे अभी भी एक्ट है ऐसे जो अंग्रेजों के बनाए हुए चीजें चल रही हैं। तो वही है बात कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ, गवर्नमेंट जाने क्यों कर रही है, पर बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको ही पता होगा कितने लॉ अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और किस टाइम से क्या चल रहा है, सीपीसी भी बहुत पुराना लॉ है, और ठीक है अमेंड करके हटा सकते थे, गवर्नमेंट ने बोला है एविडेंस एक्ट में क्यून क्यून लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ लिखा हुआ है, ऐसी चीजें बोली है, उनको अमेंड करके हटा सकते थे, पूरा बिल चेंज करने, मतलब पूरा एक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को, जिससे अब बच्चों को वापस अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, सिलेबस चेंज हो रहा है तो वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बच्चों को काफी दिक्कत आने वाली है, मैं भी एक तरीके एक स्टूडेंट ही हूँ तो मुझे ही वापस पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें, फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है एक पढ़ने में लॉ, बट कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट क्या है किसी के चली है क्या, हाँ बट अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मैटर, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेंगे तो तब अलग डिसीजन आएगा, बट अपना तो काम है पढ़ना, आप लोग पढ़े, फालतू चीज में ध्यान ना दें, और कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड पूछ भी सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा।